हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान संगम क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप यू आर एंजॉयिंग माय वीडियो लेक्चर्स। फ्रेंड्स, इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट मेजर इंडियन इंग्लिश पोइट हेनरी लुईस विवान डेरेसियो। फर्स्ट वन वी विल डिस्कस द बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन, देन हिज वर्क्स। After that, we will discuss the major important poems of Henry Louis Vivian Derrigo. So let's start our video. Henry Vivian Derrigo, the first Indian English poet of India. पहले हम इसकी बायोग्राफी से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्ट्स जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट ऑफ इंडिया। ही वॉज बोर्न इन कलकत्ता, सन ऑफ इंडियन फादर एंड इंग्लिश मदर, ए लेक्चरर असिस्टेंट हेडमास्टर एट हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता। इन 1828 ही फॉर्म्ड ए लिटरेरी क्लब नेम्ड एकेडमिक एसोसिएशन। ही वाज द एडिटर ऑफ ईस्ट इंडियन न्यूज़पेपर। ही आइडोलाइज्ड लॉर्ड बायरन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बनाना है आपको उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड। द फर्स्ट वन कि पहले इंडियन इंग्लिश पोएट थे, द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोइट। ओके, द सेकेंड वन कि जन्म कहां हुआ था, कलकत्ता के अंदर। थर्ड वन, उन्होंने एक लिटरेरी क्लब बनाया था जिसका नाम था अकेडमिक एसोसिएशन। और उनके फोर्थ वन, उनके ऊपर रोमांटिक्स का बहुत ज्यादा प्रभाव था। ये पॉइंट्स आपको उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड बनाने हैं। अब डिस्कस करते हैं उनके इंपोर्टेंट वर्क्स को। इंपोर्टेंट वर्क्स में उनकी पोएट्री कलेक्शंस आती हैं। उन्होंने तीन पोएट्री कलेक्शंस लिखी हैं। कौन कौन सी? द पोएम्स जो 1827 के अंदर आती है, द फकीर ऑफ जंगीरा जो 1828 के अंदर आती है, द पोलिटिकल वर्क्स ऑफ हेनरी विवान डेरेजियो जो 1907 के अंदर आती है। तो हमें कौन सी पोएट्री कलेक्शन को याद रखना है? द फकीर ऑफ जंगीरा। पेपर के अंदर जितने भी एग्जाम्स में पूछा गया है, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया है कि द फकीर ऑफ जंगीरा पोएट्री कलेक्शन के राइटर कौन थे? हेनरी विवान डेरेजियो। अब डिस्कस करते हैं उनकी इंपोर्टेंट पोएम्स को। इंपोर्टेंट पोएम्स कौन सी है? द हार्प ऑफ इंडिया, टू इंडिया माई नेटिव लैंड, द फकीर ऑफ सॉरी, अगर आप इनको डिटेल से डिस्कस नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इनके नाम जो है वो आप जरूर याद कर लेना कि ये जो पोएम्स हैं किसने लिखी है। द हार्प ऑफ इंडिया, टू इंडिया माई नेटिव लैंड, द फकीर ऑफ जंगीरा। हार्प जो है वो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, बजाने का इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो ये याद रखना है कि यह पोएम जो है वो पेट्रार्कन सोनेट के अंदर है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि इसके अंदर हार्प जो है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है? इंडियन सफरिंग। इंडिया क्यों सफर कर रहा है? क्योंकि ब्रिटिश रूल उस वक्त जो था, जब ये पोएम लिखी गई थी उस वक्त हमारे इंडिया में ब्रिटिश रूलर्स थे, और ब्रिटिश रूल के अंदर इंडिया जो है बहुत ज्यादा सफर करता है। उसका जो कल्चर है, उसकी ट्रेडिशन है, उसकी लैंग्वेज है, वो बहुत ज्यादा जो पहले डेवलप जो ग्लोरियस थी वो अब क्या है, वो डिक्लाइन की ओर जा रही है। इसीलिए जो पोइट है वो ये कहता है कि जो हार्प बहुत ही मधुर आवाज देता था, आज उसकी आवाज जो है वो कर्कश हो गई है, और यह कर्कश आवाज जो है वो किसको सिंबलाइज कर रही है? द लॉस ऑफ मैग्निफिसेंट पास्ट ऑफ इंडिया। अब सिर्फ इसमें आपको यही याद रखना है कि ये पोएम किसकी है, और ये हार्प किसको सिंबलाइज कर रहा है, और यह एक पेट्रार्कन सोनेट है। अब चलते हैं नेक्स्ट। इस पोएम के अंदर आपको याद रखना है फर्स्ट लाइन को, माई कंट्री इन द डेज ऑफ ग्लोरी पास्ट, और ये वेयर इज द ग्लोरी, वेयर द रेवरेंस नाउ। इसके अंदर आपको ये याद रखनी है कि पहली लाइन जो है वो किसकी है, माई कंट्री इन द डेज ऑफ ग्लोरी पास्ट, और वेयर इज द ग्लोरी, वेयर द रेवरेंस नाउ। इसके बाद आपको ये लाइन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस पोएम की, द ईगल पिनियन इज चेंड डाउन एट लास्ट। ईगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिया को। और ये कह रहा है पोइट, ये कह रहा है कि जो ईगल है वो अब चेंड है, बंदी है, यानी हमारा जो इंडिया है वो अब गुलाम है। किसका गुलाम है? ब्रिटिश रूल का गुलाम है। जब मैंने आपको पोएट्री कैरेक्टरिस्टिक्स करवाई तब आपको एक बात बताई थी कि जो
इस टाइम के जो पोइट्स थे उन्होंने इंडियन रेनेसा और रोमांटिक ट्रेड्स के अंदर लिखा है। तो इंडियन रेनेसा का मतलब है कि इंडियन पास्ट जो था, जो ग्लोरियस था, उसको डिस्कस करना। तो ये कहता है कि जो पास्ट था वो बहुत ज्यादा ग्लोरियस था, लेकिन आज क्या हो गया है, आज आज हम जो है गुलाम हो गए हैं और वो ग्लोरी जो है कहीं ना कहीं खो गई है। उसके बाद आपको याद रखना है इस इंपॉर्टेंट लाइन को, दाई मिनिस्ट्रल हैज नो रेथ टू वे फॉर दी। इसके अंदर कवि क्या कहता है कि जो आर्ट ऑफ राइटिंग है वो वेविंग के समान है। इसके अंदर कवि जो है राइटिंग की तुलना किससे करता है, वेविंग से। और ये कहता है कि आज जो पोइट्स लिख रहे हैं वो क्या लिख, वो ये नहीं लिख पा रहे हैं कि हमारा जो पास्ट है वो ग्लोरियस पास्ट कैसा है, बल्कि ये लिख रहे हैं सैड स्टोरी ऑफ माइजरी, दुख भरी कहानियां ही हमारे कवि जो है वो लिख रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ आपको यही याद रखना है कि माई कंट्री इन द डेज ऑफ द ग्लोरी पास्ट, द ईगल किसको रिप्रेजेंट करता है और जो वेविंग की तुलना जो है किससे की गई है, राइटिंग से की गई है। और जो पोइट्स हैं वो लिख रहे हैं क्या है, सैड स्टोरी ऑफ इंडिया, इंडिया की सैड स्टोरी लिख रहे हैं, उसके ग्लोरियस पास्ट को लिखने के बजाय इंडिया की सैड स्टोरी को लिख रहे हैं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया वाज सफरिंग ए लॉट, दैट्स व्हाई पोइट जो है अपनी पोएट्री के थ्रू यह बताने की कोशिश करता है कि कितना ज्यादा डिवास्टेशन इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल ने किया है, कि हम जो है अपने पास्ट को लिखने के बजाय आज हम अपनी माइजरी की स्टोरी खुद ही लिख रहे हैं। अब डिस्कस करते हैं उनकी अगली इंपॉर्टेंट पोएम को, फकीर ऑफ जंगीरा। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है, आपको पढ़नी ही है। इसके अंदर से दो तीन बार जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। पहला तो ये आया कि फकीर ऑफ जंगीरा जो है वो किसकी पोएम है, दूसरा ये आया है कि इसका जो मेन करेक्टर है वो कौन है, नुलिनी है, और ये किसके बारे में है, कास्ट सिस्टम और सती प्रथा, एंटी कास्ट सिस्टम और एंटी सती ट्रेडिशन के बारे में है। इसके अंदर क्या होता है, एक करेक्टर है फकीर, वो क्या है, मुस्लिम है। नुलिनी एक ब्राह्मण है, नुलिनी को फकीर से प्यार है, लेकिन वो मुस्लिम है इसलिए उसकी शादी इससे नहीं हो सकती। उस टाइम जो है कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा लेवल पर था और इसीलिए एक ब्राह्मण जो है मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती थी। इसका विरोध जो है वहां ब्राह्मण सोसाइटी में होता है, इसीलिए उसकी शादी कर दी जाती है किसी अन्य ब्राह्मण से, लेकिन वह शादी में खुश नहीं होती है। कुछ टाइम के बाद ये होता है कि वह जो जिसके साथ नुलिनी की शादी होती है वह गुजर जाता है, और जैसे ही वह गुजरता है तो लोग उसे कहते हैं कि उसे सती हो जाना चाहिए क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, लेकिन वह सती होने से मना कर देती है। उसी टाइम वह सोचती है कि फकीर आए और मुझे बचा ले। फकीर आता है लेकिन वहां के लोगों के द्वारा उसे पीट दिया जाता है, और लास्ट में दिखाया जाता है कि नुलिनी जो है वो विधवा है अब किसकी, द फकीर की, वो सेकेंड टाइप ऑफ, दूसरी बार जो है विधवा हो गई। तो इसके अंदर ये नुलिनी जो है ये कहती है कि मैं जो है सती नहीं होंगी। तो ये एक प्रकार से एंटी सती, जो सती के प्रति जो जो हमारी क्रूति है उसके प्रति जो है आवाज उठाई है पोइट ने, और दूसरा जो है कास्ट सिस्टम के ऊपर जो है आवाज उठाई है पोइट ने। तो अब हमने डिस्कस की उनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स को। द फकीर ऑफ जंगीरा के अंदर सिर्फ आपको यही याद रखना है कि इसकी स्टोरी क्या है और इसका मेन जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है और किसके बारे में ये पोएम है। तो फ्रेंड्स, अब हमने डिस्कस किया हेनरी विवान डेरेजियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगले इंपॉर्टेंट पोइट को। तब तक के लिए नमस्कार, स्टे होम स्टे सेफ।